उधम सिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने 10,000 के इनामी बदमाश के पकड़े जाने का खुलासा किया। 2005 में अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में सितारगंज जेल में सजा काट रहा सुशील विश्वास वहां से 2017 में फरार हो गया था, जिसे एसओजी द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। सुशील ने पत्नी सरस्वती विश्वास की डोलीरेंज लालकुआ के जंगल में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी, जिसमें लालकुआ में मुकदमा दर्ज हुआ था। एसएसपी ने बताया कि उधम सिंह नगर में इनामी बदमाश 35 हैं, जिसमें कि 17 बदमाशों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, शेष बचे 18 बदमाशों की गिरफ्तारी बाकी है। इसका नाम सुशील कुमार है। 2005 में लालकुआं के जंगलों में इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी और 2005 में ही एडीजी नैनीताल ने इनको आजीवन कारावास से दंडित किया था। 2016 में इस बंदी को सितारगंज जो ओपन जेल है वहाँ ट्रांसफ़र किया गया। 2017 में ये जेल से फरार हो गया। तब से इसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ये सितारगंज थाने से वहाँ से चल रहा था। समय समय पर इस पर पहले 2,500 का, फिर 5,000, फिर इस हाल ही में 10,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया था। कल हमारी टीम ने, एसओजी और सितारगंज की टीम ने पुणे से इसको अरेस्ट किया है और अभी वर्तमान में डीजीपी साहब के निर्देशन में वांछित जो इनामी बदमाश उनके अरेस्टिंग का हमने अभियान चल रहा था जो कल ही खत्म हुआ। तो इसे हमने जनपद स्तर पर 10,000 के इनामी पकड़ा गया है और इसके लिए मैंने अपने जनपद जो एसओजी और सिद्धार्थनगर थाने की पुलिस जो टीम लगी हुई थी उनको 2,500 का इनाम से मैं घोषित करता हूँ। उनको जो है नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। मैं 35 हमारे इनामी बदमाश थे। विगत एक कोर्स में हम लोगों ने 17, ये जो सुशील विश्वास है इसको सिर्फ इंक्लूड करते हुए 17 इनामी बदमाश पकड़ लिए हैं। अभी 18 हमारे अभी बचे हुए हैं जिनकी अरेस्टिंग होनी है और इसमें हम लोग लगे हुए हैं, इसमें प्रयास कर रहे हैं। बहुत निकट वर्ष में और गिरफ्तारी होंगी।